भाई एक बार फिर जुड़ गए आप मेरे गले सीधे। बाड़कता है मैं अपना दिखाने लग रहा हूँ, बाड़क गांव की तस्वीरें मैं अपना लगातार दिखाने लग रहा हूँ। पिछली दो वीडियो आपने देखी होगी, बहुत लंबा काफिला। यह बात मैं बार बार करने लग रहा हूँ, अपने इलेक्शन बहुत देखे होंगे, MP MLA के इलेक्शन भी देखे होंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े काफिले और वो भी सरपंच पद खातर गाँव बाड़क में आज अपने देखने का काम कराया है। इस वक्त जो है मेरे साथ मौजूद है साधु राम रेड्डू, सारा रोड़ा याड़ा है भाई, मतलब कि साधु राम रेड्डू का गला सारा काम लग रहा है, सारा काम से ओकरन लग रहा है। तो क्या कुछ आप चुनावी मुद्दे हैं, क्या कुछ बातें लेके चल रहे हैं, क्यों जो है चुनाव मैदान के अंदर आए, पूरे उनके समर्थकों के साथ पूरे परिवार के साथ इस वक्त मेरे साथ उनसे बात कराएंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ आज पूरा आपने मतलब समर्थन मिलने लग रहा है, आप लगातार डोर टू डोर भी करे हैं, आपने गाँव में जाना लग रहे हो? मुझे पूरा गाँव का समर्थन मिला है और मैं पूरा गाँव का आशीर्वाद लेकर चल रहा हूँ। पूरा गाँव का जो भी 25,000 बटन नलके बटन दाब कर पूरा सहयोग विजय बनाए और उनका 100 गुना ज़्यादा बढ़ा के दूंगा मैं। तो भाई बात करी जाओ काम की, आपते काम का माहौल आपते दिखाने का काम कर रहा था। नमस्कार जी। नमस्ते जी। थोड़े खुले हो जी। क्या कुछ लाग है मतलब गांव में जाओ हो और गांव में लगातार तो वो ब्याह कहा है नहीं, ब्याह कसना में है बढ़िया अंदाजा है क्या हुआ? क्या कुछ जी पूरा सहयोग है, पूरे गाँव का पूरा सहयोग है, पूरा समर्थन है, सबका आशीर्वाद है, 36 बिरादरी का आशीर्वाद है, 36 बिरादरी वोट देगी और 25 तारीख को नलके के निशान वाला पटन दबा के विजयी बनाएंगे। धन्यवाद जी। अनिल बाड़खिया जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भाई, अनिल बाड़खिया नाम तो आपने लगातार देखो JJP की अगर बात करी जाओ तो आप फील्ड में रहो है, आपने भी रहा है। तो प्रधान जी अगर बात करें बाड़क गांव की, बाड़क गांव की राजनीति में बड़े सक्रिय हो रहे आजकल, क्या कुछ अलग है साधु राम का माहौल या फिर सरोज की बात करें? सरोज का माहौल मनिक भाई, आप आज मेरे हिसाब से 2 बजे से पूरे प्रोग्राम को आप कवर कर रहे हो जी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने जिले के प्रोग्राम भी करवाए हैं, हल्के के भी प्रोग्राम करवाए हैं और एक हल्का लेवल का प्रोग्राम आज बाड़क में एक चाचा साधु के एक पंचायत के उम्मीदवार के समर्थन में इतना है, मैंने आज तक के बाड़क के इतिहास में ना ऐसा कोई जनसमर्थन देखा ना कुछ हो रहा। पूरे के पूरे 36 बिरादरी के लोग, पूरा भाईचारा आज तन मन धन से साधु राम जी के साथ खड़ा है और मैं आपके माध्यम से पूरे पुणे सभी ग्रामवासियों से ये निवेदन प्रार्थना करूंगा कि इसी प्रकार आप अपना प्यार जन आशीर्वाद चाचा साधु राम जी को दो और आने वाली 25 तारीख को एक एक अपना कीमती वोट इसके नलके के निशान पे दबा के इनको विजयी बनाने का काम करें। मैं इनकी तरफ से पुनः आश्वस्त करता हूँ कि जो भी काम अभी तक जो बाकी हैं, हमें इस गांव को बहुत दूर तक लेके जाना है और उसमें साधु राम एक अहम कड़ी होंगे। अगर बात करी जाए गांव की राजनीति की, गांव की राजनीति में सबसे बड़ी बात हो बगड़ की, बगड़वाद की राजनीति बड़ी चल रहा है, तो क्या कुछ लग है आप तो छोड़ गए दूसरे में किसा के मोल है? मनिक भाई मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हर परिवार का इलेक्शन में भाईचारे के हिसाब से बहुत बड़ा पंचायत के चुनाव में रोल हो है, लेकिन अब की बार जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग तरीके से है। इसमें पूरे परिवार में हमारे दादा पठाना मेरे गांव का सबसे बड़ा परिवार है, बगड़ है, पांचू ठोड़ा के आज आदमी आज आप कवर करके देख लियो, अपनी वीडियो कवरेज करके देख लियो, आप जूम करके देख लियो, हर ठोड़ा में साधु राम जी के साथ खड़े हैं और 36 बिरादरी के किसी भी कोण में, गांव के किसी कोण में ऐसा कौन है जो साधु राम का गलत ना हो। तो आज के दिन ये सारा एक गांव का सामूहिक चुनाव हो गया, ना कि बगड़वाद और ये सारी चीज़ का इनका कुछ है। टोटल अगर गांव की बात करें तो मैं कहना चाहूँगा आज गंगादास परिवार का प्रोग्राम है, ये दादा पठाना का सब बड़ा परिवार है, तो बगड़वाद एक ठीक है, सारी चीज़ों में उनका मान सम्मान सारी चीज़ें हैं, आज का दिन 36 बिरादरी का साथ जिसने मिलेगा वही पार है, वही नेता है, वही प्रतिनिधि है। अगर बात करें गांव की, गांव में टोटल वोट कितने? 5500 कुछ वोट है, 5,564 वोट है। आपके आंकड़ों के अनुसार कितने पोल हो जाएंगे? मेरे हिसाब से होने चाहिए 4800 वोट पोल होंगे। तो फिर आपके कितने मान लो इसमें? हम तो 70% पर अकेले खड़े हैं। 70% पर? हाँ जी। शमशेर के लागे भाई यही बात होगी, 70% लागे मतलब किसने टक्कर मानो हो तो 70 में तो टक्कर कौन रही? टक्कर कड़े है आज से पहला टक्कर थी, आज कोई टक्कर नहीं, आज से कोई टक्कर नहीं, कोई टक्कर नहीं। तो लास्ट में क्या अपील करना चाहोगे आप ग्रामवासियों से? मैं ग्रामवासी अपील करना चाहता हूँ 25 तारीख को नलके के निशान पर बटन दाब के विजय बनाए और उस हमारा पूरा सहयोग दे। मैं पूरा काम को आश्वासन देता हूँ कि 25 तारीख के बाद जो कुछ है पंचायती फैसला, पंचायत का जो काम है पूरा गांव करेगा और गांव का 100 गुना करके आगे बढ़ूंगा। तो भाई 70% का अगर जिक्र कराया जाओ तो वह एक डायलॉग है
कि भाई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। यह चीज इनका कहना है, आने वाला समय बताओगा भाई क्या होगा। 25 तारीख ने फिर इस गांव तक लाइव आवेंगे, फिर आपका लज उड़ाएंगे, क्या कुछ रहोगा लास्ट में जरूर आपको दिखाने का काम करेंगे। जी जी जी, आइए आइए आइए। मैं सभी सम्मानित बुजुर्गों पूरे गांव से, अगर दादाजी को गांव का चौकीदारा करने का मौका इस गांव ने दिया, पूरे गांव में बढ़िया काम हो गए, आश्वासन करते हैं पूरे गांव से हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि दादाजी को एक बार इस गांव का चौकीदारा करने का मौका गांव दे तो बहुत विकास कार्य होंगे, बहुत आगे बढ़ना है। हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ दादाजी को। ये मैं आश्वासन आपको दिलाता हूँ पूरे गांव में, अच्छा। ये दादाजी चौकीदार ही रहेंगे, ये कोई नहीं होगा। चौकीदार है, आगे भी चौकीदार। पहले यह बात कहूँ, सारे पक्ष वोट देने की पहली बार अपील की है, हमेशा वोट दी है, काम करे, काम करता रहूंगा। तो भाई आप, मैं वो चीज बताने लग रहा हूँ लगातार, मैं इस गांव से परिचित हूं क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि है, गांव बालक है, तो मैं जानू सर ने इस करके अपना परिचय दरवान लग रहा हूं। पहले पूर्व सरपंच रहे तेलुराम, उनके पुत्र है मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भाई साहब दलजीत, राम राम। आपका मुनिक भाई, आपका धन्यवाद जो आपके चैनल के माध्यम से आज गाँव के सम्मुख होने का मतलब मौका मिला। तो मैं पूरे गांव से हाथ जोड़ के गुजारिश यही करता हूं, जिस तरह मेरे पिताजी ने पूरे गांव का भाईचारा बनाते हुए अब पूरे गांव के विकास कार्य करे है, अब मैं पूरे गांव को विश्वास दिलाता हूं अगर नलका पट्टन दबा कर मेरे दादा को विजयी बनाओगे तो वही भाईचारा और वो विकास की डोर हम रुकने नहीं देंगे। दलजीत अगर भाई बात करें, आपने पहले के इलेक्शन भी देखे, आपके पिताजी का इलेक्शन भी देखा हुआ, तो स्त्रियों का काफिला इतना बड़ा गाँव में, इतने इतने बड़े प्रोग्राम पहले हुआ भाई, देखो वो सीक्रेसी आउट नहीं होने दिया करते, आज तो सारा फेसबुक पर आ जाता है कौन किसके साथ है। वो तो 3 बजे उठ के जाया करते और सबके मतलब वोट मना कर बेरा भी निपटने दिया करते, अब भाई यू वोट किसका जाओगा किसके नहीं जाओगा। उस टाइम के चुनाव का, राज्य के चुनाव का जो दिन रात मीडिया का प्रचार है प्रसार है, तो काफ़ी अंतर आ गया पहले के चुनाव और आज के चुनाव में। जी लगातार जुड़े रहियो भाई, आगे फिर अपने स्त्रियों के कवरेज दिखाने का काम करेंगे, कई कुछ पूरा मामला रहेगा और कवरेज भी अपना जरूर देवांगे, इस गांव की पूरी रिपोर्ट अपना देवांगे, आपने के लगा कमेंट करके जरूर बताइयो। धन्यवाद, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।